with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज डिफरेंशिएशन का 7th पार्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये जो 7th पार्ट है ये लास्ट पार्ट है. ये जो आज का वीडियो अगर हम पूरा ये पार्ट पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. इससे पहले हम 6 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएशन को हमने पढ़ा है, अलग अलग टॉपिक्स उसके देखे हैं और धीरे धीरे हम अब ये जो 7th पार्ट पे आ गए हैं. और इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ना है, दो टॉपिक पढ़ना है. पहला टॉपिक तो ये है और दूसरा बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो डिटर्मिनेंट का जो डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है वो पढ़ेंगे अभी हम वीडियो के इस वीडियो में आगे. तो जो पहला टॉपिक है इस लास्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन का, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. डिफरेंशिएशन हमें एक फंक्शन का करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, अनदर फंक्शन. पहले हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है. अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का हमें करना होगा एक्स वाई की जगह पर, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा वो भी एक फंक्शन होगा, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि कुछ इस टाइप का होगा कि एक दिया होगा, सपोज यू है, सपोज एक फंक्शन है u जो है वो x में है fx, ठीक है. और एक होगा, एक दूसरा फंक्शन होगा सपोज gx, ठीक है. एक फंक्शन u x में होगा और v एक दूसरा फंक्शन होगा वो x में होगा, ठीक है, वो भी. अब हमें क्या करना होगा, कुछ न कुछ बहुत हद तक ये पैरामेट्रिक की तरह भी है, इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू इसके, ठीक है. पहले हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करते थे, लेकिन अब क्या होगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में. यानी आपको डिफरेंशिएट करना है यू को किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो कैसे करेंगे, इस डी यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जब डिफरेंशिएट, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि डी यू को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर देंगे, ठीक है. तो वो इस तरह से आ जाएगा कुछ. और v को भी x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv बाई dx आ जाएगा, ठीक है. और उसके बाद क्योंकि आपको चाहिए du बाई dv, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है. कुछ पैरामेट्रिक की तरह ही है ये, ठीक है. तो इसमें करना यही है. ऐसे अगर डायरेक्ट देखा जाए कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. और इसको मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देता हूँ. चलिए क्वेश्चन लेता हूँ पहला और उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सपोज़ ये है कि डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है. इसको थोड़ा सा ऐसा कर, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉट्स. तो अभी तक आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन में आपने अभी देखे हैं वो यही था कि या तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में करिए या वाई के रिस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएशन. अब जो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से होंगे कि इसको डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज़ लेट पहले वाला जो फंक्शन है जिसको करना है उसको हम u अज्यूम कर लेते हैं. तो u जो है वो log sin x दिया हुआ है, ठीक है. और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v ट्रीट कर लेंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos x. अब
क्योंकि डिफरेंशिएट करना है आपको इसको इसके रिस्पेक्ट में, यानी चाहिए क्या आपको डी यू बाई डी वी चाहिए, है ना, ये फाइंड आउट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी डी यू बाई डी वी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको करना आता है, ये लॉग का है, इसको जैसे हम पहले करते थे तो वन बाई साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया आपका टैन कॉट एक्स। आगे लिख देता हूँ, इसको कर रहा है तो रूट का जो आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट हो जाता है, वन अपॉन टू अंडर रूट में हो जाता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इसको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। अब आपका आ गया, सॉरी, ये डी वी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था, आपको डिफरेंशिएट करना है यू को वी के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो मैं इसकी जगह पर कॉट एक्स लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी जगह पर है ये माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स। ठीक, इसको अगर आप रूट वाले को ऊपर कर दें, सबको ही अगर आप ऊपर लिखना चाहें तो सबसे पहले तो ये एक माइनस आ गया, फिर ये आपका कॉट एक्स ये हो गया, और टू को ऊपर आप करें तो टू अंडर रूट कॉस एक्स ये हो गया, और नीचे साइन एक्स। ये मैंने इसको ऊपर कर दिया, और इसको थोड़ा सा और अगर लिखना चाहते हैं आप तो टू अंडर रूट कॉस एक्स, इसको भी ऊपर कर लें तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये तो कॉट एक्स पहले से था ही, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको क्या करना होगा, जिसको डिफरेंशिएट करना है, वह फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको यू ट्रीट करिए, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको वी करिए। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देना है, तो डी यू बाई डी वी आ जाएगा आपका। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लें। देखिए, एक क्वेश्चन और जो मैंने लिया है, ये बोर्ड का है, 2014 में आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है उसमें इस फंक्शन को, यानी इनवर्स फंक्शन है दोनों, और इसमें टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और ये कंडीशन दे रखी है। क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने बस एक क्वेश्चन और लिया है, तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, तो आई होप, मुझे ऐसा लगता भी है कि आपको वो चीज़ अब समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो बेस था वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लेकिन मैंने और भी ले लिया है, इसको देख लेते हैं तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। आप अपने एक्सरसाइज से, अपने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक रह गया उसको पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो, चलिए इस पर आते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में ही इसको पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको यू कर लेते हैं, टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम वी ले लेते हैं, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर वही बात इसके पहले वाली पार्ट सिक्स में, अगर जो हमने कहा था कि अब सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए एक्स की जगह पर कि ये टैन में, टैन इनवर्स है तो टैन में आ जाए, और यहाँ पे भी ऐसी क्या चीज़ रखी जाए कि वो साइन में आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि एक ही एक्स है दोनों में, रेंज भी दे रखी है, तो आपको क्या करना होगा, कोई एक एक्स ऐसा
चूज़ करना है एक्स की जगह पर कि वही वैल्यू यहाँ पे भी रखने पर वो साइन में आ जाए और यहाँ पे रखने पर टेन में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो ये जो, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि टू साइन ए कॉस ए का फार्मूला यानी साइन टू ए या साइन टू थीटा का फार्मूला है। तो यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा रखना है। क्या यही वैल्यू जो है, यही सब्स्टिट्यूशन इसमें भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा अगर कर दें और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं दोनों में। तो यू जो थोड़ा सा चेंज होकर हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन, इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हटा तो कॉस थीटा बन गया। यही v में भी करें तो v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स की जगह पर साइन थीटा। अगर ये आपको उतना समझ में नहीं आ रहा तो मेरी जो पार्ट सिक्स की वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। चलिए लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा u टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, और v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको ध्यान दीजिए तो ये टू साइन थीटा और ये है कॉस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि हम डायरेक्ट यहाँ पे थीटा नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी टू थीटा नहीं लिख सकते, कैंसिल तो कर देगा, एक दूसरे को वैनिश कर देगा, पर जब तक ये चीज़ डिसाइड ना हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू को डिफाइन ना किया हो क्वेश्चन, तब तक हम इसको नहीं कर सकते। तो अगर इससे देखा जाए तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर x की जगह पर साइन थीटा अगर हम रखें और यहाँ पर माइनस वन बाई रूट टू के लिए माइनस पाई बाई फोर, और साइन ये पाई बाई फोर, साइन को अगर हटाएं तो ये आ जाएगा आपका थीटा पाई बाई फोर। इसका मतलब टैन में है, जो टैन के लिए अगर थीटा इसमें दिया हुआ है तो ये थीटा की ये रेंज है, और टू थीटा में अगर चेंज करें तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो वो इस तरह से आएगा। तो ये साइन का हो गया और ये टैन का हो गया। ठीक है, साइन में तो पिछले कल की वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो साइन का ग्राफ होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होती है। साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिया था वो इस टाइप का था। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, तो इसकी रेंज में है, तो यहाँ तो आप इसको लिख सकते हैं टू थीटा। रही बात टैन की, तो टैन का भी जो होता है वो कुछ इस तरह का रहता है, अगर आप लोगों को पता होगा कि टैन का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो अगर है तो ये भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था, क्लियर किया था कि अगर जो वैल्यू है वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, अदरवाइज अगर वो बाहर है तो हमें कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट करके क्या करना होता है, उसको उस रेंज में, प्रिंसिपल वैल्यू में लाना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो उसी के रेंज में है, और टैन की भी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है, यानी इसके बीच में है, तो आप भी यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो u इज इक्वल्स टू यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ v जो हो गया वो टू साइन इनवर्स x, इस तरह का हो गया। यानी कहने का मतलब अगर आप देखें तो यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो पार्ट सिक्स की जो वीडियो थी इनवर्स का, बाई इनवर्स सब्स्टिट्यूशन वाली, जो इससे पहले का टॉपिक था वो था। ठीक है, ये पहला एक तरह से, ये जो हो गया वो पहले वाली वीडियो का जो था, पहले वाले टॉपिक का था, उसका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से जो इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका, कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, वो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो टू बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
आपको क्या चाहिए, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, u को v के, यानी du यू बाई डी वी। तो क्या करना है, du यू बाई डी एक्स को हम डिवाइड कर देंगे dv बाई डी एक्स से। तो इसको करें अगर तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर में इस तरीके से उसको हम पलट के लिख देते हैं, आपको पता होगा, कर दे रहे हैं, और इसको ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने चूज़ कर लिया था आज के टॉपिक पे, देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये जो पहला, इसको मैंने ले लिया है क्योंकि ये पिछली वीडियो से रिलेटेड था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया था। इन्वर्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का, अलग अलग तरह का हो सकता है, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए आपको, ठीक है, या इसमें किसी और तरीके का फंक्शन मिल जाए, साइन का ही सिर्फ मिल जाए, इन्वर्स ना मिले, तो आपको प्रोसेस ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन था। ये जो आपको थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा हो तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के टॉपिक यही था कि किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और उसका प्रोसेस ये है। चलिए, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं लास्ट डिफरेंशिएशन के सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसको जाने रखिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज ही काफ़ी है, वो सिंपल सा ही है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है मैं कहूँगा, पर फिर भी इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। वो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अगर डिटरमिनेंट आ गया तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हर अलग अलग केसेस में किसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसके अलग अलग प्रोसेस है। तो अब अगर डिफरेंशिएशन करना है हमें डिटरमिनेंट्स का, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए, ये लास्ट टॉपिक भी देख कर डिफरेंशिएशन को ख़त्म करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे करेंगे, सपोज कोई डिटरमिनेंट है इस टाइप का, यहाँ पर fx है, यहाँ पर gx एक अलग फंक्शन है, फिर यहाँ पर एक ux हो जा रहा है, और यहाँ पर vx है। अब इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, तो कैसे करेंगे, इसका जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट रो को पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले पार्ट में, और ये सेकंड रो को छोड़ देते हैं, और क्योंकि पहले को ही डिफरेंशिएट किया है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है, दूसरे को छोड़ दिया है, तो अगले में इसको स्प्लिट करके पहले को छोड़कर फिर दूसरे के साथ भी डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। इस तरीके से सबके साथ डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, और ये पूरे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आता है। कहने का मतलब, सबसे पहले तो एक स्प्लिट किया जाता है, और एक ही साथ अगर आप करना चाहें डिफरेंशिएशन का, ये जो रूल है कि आप एक ही साथ सबका अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसको एक ही साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। पहले ही बार में इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, नहीं, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएट, कि इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता है। क्या तरीका है, तरीका ये है कि फर्स्ट रो को पहले डिफरेंशिएट करिए, सेकंड रो को एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर प्लस करके फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, या इसी को आप, आपकी मर्ज़ी है, आपने रो को इसमें चूज़ किया था, आप कॉलम को भी चूज़ कर सकते हैं, पहले कॉलम को पहले में कर दीजिए डिफरेंशिएट, सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, और फिर नेक्स्ट प्लस करके फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकंड को कर दीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। जनरली लोग रो को ही प्रेफर करते हैं, आप कॉलम को भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और हमारा डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन सॉरी वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट दे दिया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो इसको एफ डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इस पूरे जो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे बताया था हमने आपको, डिफरेंशिएशन आपको करना है, उसमें दो रो थी ठीक है, इसमें कितनी है, ये 3x3 का है। तो एक काम करते हैं, इसको तीन पार्ट में स्प्लिट करना होगा ठीक है, तीन अलग अलग पार्ट में, यानी 1, 2, 3, क्योंकि 3 रो है ठीक है। पहले में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1+0 1 ही आएगा, ये इसमें एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, इसका भी 0 होता है, और बाकियों को उतार देते हैं। सेकेंड वाले में क्या करते हैं, जैसा कि आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा रहा हूँ मैं, जैसे ये इसमें 2x2 का मैंने बताया था कि फर्स्ट रो को आपने क्या कर दिया, पहले डिफरेंशिएट कर दिया, सेकेंड को छोड़ दिया, इसी तरीके से मैंने फर्स्ट रो को अभी डिफरेंशिएट किया है, सेकेंड और थर्ड को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 2x2 का था तो 2 में स्प्लिट किया, ये 3x3 का है तो 3 में स्प्लिट करना है, फर्स्ट कर लिया, अब सेकेंड को करेंगे ठीक है। सेकेंड वाले में तो सेकेंड वाले को करेंगे, सेकेंड वाले का कांस्टेंट का 0, इसका 1 आएगा, एक्स का 1, ये 0 और ये भी 0, और बाकी सबको वैसे ही एज इट इज़ उतार देंगे ठीक है। इजी है, कुछ इसमें बहुत टिपिकल तो है नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में थर्ड रो को करेंगे तो इसका 0, इसका 0, एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, इसका 1, इसका 0, 1+0 1, और बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट है, आप ने डिफरेंशिएट तो कर दिया है, हाँ इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया है, लेकिन अब आगे का काम क्या है, डिटर्मिनेंट का काम है। डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसको एक्सपेंड कर देना होता है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 को, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, देन इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 का है तो 1 × x प्लस, या 1 ना भी लिखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, और माइनस ये क्योंकि सेम है तो b²c² ये हो गया। वो 0 को करने की ज़रूरत है नहीं, कि 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 ही बन जाएगा, तो मैं उसको कर ही नहीं रहा हूँ, ये भी नहीं करना पड़ेगा, इसको भी एक्सपेंड करना है ठीक है, इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। तो इसके उसमें अगर आप एक्सपेंड करेंगे 1 सेकेंड रो में, इसमें मैंने फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर दिया, इसको आप सेकेंड रो में कर देंगे अगर, तो ये इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पे करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके, बस जस्ट अब इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देना है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सी कुछ इसको इससे किया, और इससे ए बी है, और यहाँ पर ए सी है, आई थिंक कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पर ए सी है, ये ए सी होगा ठीक है, तो हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे भी ए सी हो जाएगा, और ये तो 0 है ठीक है, तो -a²c², इसी तरीके से इसको थर्ड रो में अगर एक्सपेंड करें हम, तो 1 × इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इससे, और माइनस इस a²b², बस इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है, और जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल के एक जैसे को साथ में कर दीजिएगा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये था डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये जो है आपको जानना है इस वीडियो में, वो आपको ये है, ये लाइन आपको समझनी होगी, बाकी ये सब काम तो आप बहुत पहले कर चुके हैं ठीक है। डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा होगा तो ये सब एक्सपेंड करना, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो तो आप
आपको पता ही होगा, वो जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, इसलिए इसके नीचे का जो है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेन ये है कि जब डिफरेंशिएशन आपको करना होगा तो आप पहले में जितने का होगा, 3 × 3 का है तो 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 × 2 का है तो 2 × 2 दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और फर्स्ट में फर्स्ट रो को करके दोनों छोड़ देना है, सेकंड में सेकंड रो को डिफरेंशिएट सिर्फ करना है और दोनों को छोड़ देना है, और थर्ड में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है और दोनों को छोड़ देना है। तो यही था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और आज ये 7th पार्ट के साथ डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आप डिफरेंशिएशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी डिफरेंशिएशन पे पकड़ जो होगी वो अच्छी होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है, और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपना डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से इस पर बहुत ही अच्छी ग्रिप करनी होगी, और ग्रिप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही डिफरेंशिएशन के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, ये डिफरेंशिएशन की सीरीज़ भी ख़त्म हो रही है। आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और कुछ जो पसंद आ रहा है, जो नहीं पसंद आ रहा वो भी आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, कह सकते हैं मुझे, और मेरे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक्स एंड टेक केयर, बाय।